सोन इस लोकसभा में एक सिरवेल जैसा क्षेत्र है जहाँ पर भगवान भोले का वास है, वहाँ की जनता भी भोले की मत में, और जिस प्रकार का विश्वास वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति व्यक्त किया, एक अभूतपूर्व उत्साह और एक अभूतपूर्व मतदान उन्होंने किया, इसका रिजल्ट ये रहा कि उस सिरवेल महादेव के क्षेत्र से करीब 9000 के असल भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली, और ये विजयश्री हम काफ़ी वोटों से हुए, और ये जनता का उत्साह था, जनता चुनाव लड़ी, और इस जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों को विश्वास है कि हमारा जो भी विकास अभी तक हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है, ये विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। और मैं सांसद निर्वाचित होने के बाद में मेरा पहली बार जाना हुआ, बाकी जनता से मेरा विगत 10 सालों से संपर्क है, उनके सुख और दुख में लगत मेरा आना जाना, और इसलिए अपने आप वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता खुद होकर मामले हजारों की तादाद में आए, और उन्होंने अपने आप ढोल मादल सौर ऊर्जा के माध्यम से माइक चलाना और डीजे लगाना और हर्षोल्लास के साथ में जिस प्रकार से भगोरिया पर्व आदिवासियों का मनाया जाता है उस प्रकार का उत्साह आज देखने को मिला। ये विश्वास पैदा होता है कि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। वो क्षेत्र लंबे समय से मोबाइल सिग्नल ना मिलने की समस्या से ग्रस्त है, क्या आपका प्रयास रहेगा, प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, वो क्षेत्र मेरे से काफ़ी लंबे समय से संपर्क में है, वहाँ की मैं मूलभूत सुविधाओं से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और एक एक गाँव को मैंने खाक छानी हूँ, इसलिए वहाँ पर रोड, पानी, बिजली और मोबाइल और ग्रिड जैसी महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं। प्राथमिकता के तौर पे हम उस जनजाति क्षेत्र में ये समस्या का निराकरण करेंगे, आने वाला समय हम सब लोग मिलकर देखेंगे और ये सब सुविधाओं से युक्त वो क्षेत्र भरा भरा रहेगा।